नंदू तू कहो पूरे मन से पूजा ना करेला, आधा मन तोहार मंदिर में रहेला और आधा उधर बीबी बच्चन में, देखिए भगवानों भी तोहरा के आधा ही मिली है, नकरा में उंगली कर ले या प्रसाद खा ले। ठीक है, हम नाक में उंगलियां कर लेते। हट पागल, तोहरा के फलों भी आधा मिली और मुक्ति भी आधा मिली, आधा दे या स्वरक में लटकी और आधा नरक में। का है गोपी, हमार माई कहत रहलिन के जे परिवार का सेवा करला भगवान ओकरा पर खुश रहला, अब तू कहत बाड़ा कि भगवान का सेवा करे से भगवान खुश रहला। अब ससुरा हमरा समझ में ई नहीं आवता कि हमार माई सही रहली कि तू सही बाड़ा। यह असमंजस में हम दोनों का इतिहास गोड़ मारीला। अरे गोपी बेटा जी पंडित जी, तू तो बहुत अच्छा भजन गावला है, तोहार भजन सुन के तसगरे मंदिर कृष्णमयी हो गइल बा। आ गईला पूजा पाठ कई के हो गईल भगवान के दर्शन, सगे बाप और सौतेली माई के मौत के वरदान मांग लेला। कैसन बात कहताड़ू माई, हम रउर मौत के वरदान मांगब का तो हमरा खातिर कोनो राजपाट मांगे मंदिर जाला का। माई अगर हमार मांगे से भगवान दे देवे तो जरूर मांगब। अपन सगी माई खातिर मांगे रहेला जोन हमार खातिर मांगबा। रउआ तो जानत बानी हम रउआ के सौतेल माई ना ही मानीला। अरे माना, तू हमके सौतेली माई माना, सगी माई मनबा तो तोहर माई जैसन हम हूँ मर मरा जाइब। अरे सबेरे सबेरे काहे निकम्मा से उलझ गेलू, एकरा के घर परिवार का परवाह नहीं, एकर जिंदगी त भजन कविता लिखे में ही बीत जाई। 22 साल का हो गेल बा, अभिन तक ही नाई जानत के हलमा फाड़ के हर होत बा और मुठ के हर। तू काहे निकम्मा के ताना मार के अपन मुंह खराब करताड़ू। मुंह खराब न करीब तो ई बनेचर कोनो दिन कमंडल उठाई और संन्यास ले लई, फिर एक रे वियोग मा तू छाती पिटत रही जाइबा। हाय हमार लड़का, हाय हमार लड़का। मुन्ना ला प्रसादी। ए गोपिया, हमार बेटवा के तू प्रसाद ना दे, हमें एकरा के सन्यासी ना ही बनावे के बा। और एक बात सुन ला, ई मुफ्त की रोटी तोड़े से काम ना चली, घर में रह के बात काम करे के पड़ी। दादी ले जाए द बिटुआ। और कब तलक, और कब तलक तू ताना और बद्दुआ सुनबा। अब कहा करे दादी, हमके दुनियादारी रास नहीं आवत, हल बैल खेत खलियान घर द्वार हमरे समझ में नहीं आवत दादी। लेकिन ये दुनियादारी से दूर रह के ये दुनिया में रह भी तो मुश्किल बा। अब तू जवान हो गईला, नाना लेकन जैसन तो के डांट खात हमरा से देखा नहीं जात, हमार कलेजा फाटत है रे, फाटत है। बेटा हमार जिंदगी के दिन अब उंगलियन पर आ गईल बा, कबहू आंख बंद हो जाई, कबहू सांस रुक जाए। हाय दादी ऐसन काहे कहता नहीं, ऐसन रउआर हमार उम्र लग जाए, हमार उम्र, हमार उम्र। हमरा की तोहर उम्र नहीं, तोहर खुशी चाहिए। हम तोहर दादी बानी, लेकिन तोहके माई जैसन पाले ही पोसे, तोहरे खातिर एगो माई जैसन सपना देखत बानी। दादी माँ रहु हमार खातिर जे सपना देख ले बाड़ू, इस सपना टूट जाए तो ही ठीक। तका तू अपन घर ना बसावा चाहता रे? दादी माँ रहुआ ई चाहता नहीं कि जौन लड़की के हम अपन जीवन में शामिल करें ओकरो जीवन बर्बाद कर दें। तका सारा जीवन कविता और भजन में गुजार देबा। बेटा हम मानत बानी कि तोहार माई और तोहरे बीच जौन कड़वाट बा वो कम ना होखे वाला, दिन ब दिन बढ़बई करी। हमार बाऊजी हमके 25 बीघा जमीन दे के चल गई ले, वो हम तोहरे नाम कह दे थे, बिहा कह के तू ही चाहिए रहा। दादी माँ करउआ ई चाहता नहीं कि हम आपन गृहस्थी बसावे खातिर माई बाबूजी से अलग हो जाई। तू का करबा, जिंदगी भर
धुतकार और तिरस्कार का जीवन जेबा। अब का करी दादी, जब हमार भागे में ये लिखल बा। तो ठीक बा, जा जाके मना कह दे, बोल दा कि तू ब्याह ना करे चाहेला। हमें बात कह ले, हमें से गलती हो गई, जे हम उनके जबान दे दे ले। दादी ये सोच के कि वो लड़की तो है नीक लागी। करत का बा? भाई देखा, सबके देवे खातिर नौकरी तो हमरी सरकार के पास बाय नहीं, ठीक ठाक खेती बाड़ी तो है बा, और ये सूखे बाढ़ का प्रकोप ना होता अच्छा खासा अनाज भी पैदा हो जात बा। मतलब लड़का खेती बाड़ी करत बा? लड़का कुछो नहीं करत भौजी, हल तक तो चलावे नहीं आवत होके, दिन रात कविता पाठ करत बा। तू चुप रहा, तू चुप रहा, कहा 24 घंटा खेत में हल और फावड़ा चलावे के ही काम के काम कहा जात बा। अच्छा लड़का बा, और जिम्मेवारी आई तो काम भी कर ले। आजकल बढ़िया लड़का मिलब आसान बात ना बाड़े, बिटिया जवान हो गई हो। बड़े भैया, एक कौन कहलस कि जवानी आवे पे शादी कर देवे के चाही, हमरा पर भी तो जवानी आई, हम तो ब्याह ना कई लेली। देखा भौजी, बिटिया का ब्याह जरूर कहल जाए, लेकिन दामाद हमके अच्छा और जिम्मेदार चाही। लड़का यहाँ आवत बा, ढोक बजाए के देखिया। भसत रे बड़कुआ, नंदुआ के नगर। अरे गोपी, बोला नंदू, सुना था ही तू आ रहा जाता रे, तोहे कैसे पता? अरे पूरे गांव में चर्चा है भाई कि तू ब्याह करत दाड़े, एक खातिर तू लड़की देखे जाता रे। ब्याह खातिर नहीं भाई, ब्याह से मना करे जाता नहीं। काहे? लड़की लूली लंगड़ी बा के दहेज कम मिलता। हमके ब्याह नहीं करे के बा। तू जवानी में ब्याह मना करत बाड़ा? अरे तू नहीं भूजत बाड़ा, एक बार जिंदगी में जब मेहरारू आ जाला तो का मजा आवेला। दिन हसीन और रात रंगीन हो जाला भाई। अगर सरकार हमका खुली छूट दे ना तो 4 मेहरारू हम और लेके आई। हमका मेहरारू और लड़कियन का फौज बहुत नीक लागेला भाई। तोहरा के केहू रोके वाला नहीं बा, लेकिन हमरी तो एक एक सांस मा एक एक बात पे पहरा लगाए रे। काहे कि हमार भाग तो हमार माई बाबूजी लिखले बाड़े, और वही लिखले बाड़े जेमे उनकर फायदा हुई। और नंदू, जब हम अपने घर में पराए जैसन बानी तो वो तो पराए घर से आईबे करी, ओकरे संगे न जाने काका होई, भगवान ही जाने। अरे गोपी, एक बार ठंडे दिमाग से और सोच ले भाई, ऐसे गांव जवार में लड़कियों की कमी बा, कहीं ऐसा न हो जब तहार मन हो तब कोनो लड़की है न मिले। भगवान करे हमके कोनो लड़की ना मिले। ए लच्छी, तो हमार कपड़ा के निचोड़ निचोड़ के काहे धोवालू? हमार धोती और कुर्ता दोनों मसक गइल बा। वहां घाट पे निचोड़े खातिर होते का बा? तका तोहरा के हमारी ये कपड़ा मिलत बा। तो का गांव वालन के कथरी रजाई निचोड़ी ब्रह्मचारी बाबू, तोहर कपड़ा पटक पटक के धोवे मा और दवाई के निचोड़े मा जोन मजा आवता, वो कोनो और मा कहा बुझला। जानुमान के अनुगुण सुने से पूछते जी, ई ललन बाबू का घर बा? हाँ, हम ललन बाबू का छोट भाई ब्रह्मचारी बानी। पाए लगी जी अतरा, तू के है जी? हमार नाम गोपी बा, दानापुर से आयल बानी। ओ, शांति बुआ भेज ली हाँ? जी, वो हमार दादी बाड़ेन। अच्छा, तो तू बड़े कविता लेखक भजन गवैया जैके बड़के भैया दामाद बनावे खातिर पसंद कर ली हाँ? हमार बिटिया जितनी खूबसूरत बा उतनी होकर तकदीर खराब बा। जी रहुआ कछु कहनी? अरे कुछ ना है, तहार कान बाजल हो। बड़के भैया, भाऊजी, देखा तक के आयल हो? शांति बुआ के यहाँ से तहार होखे वाला दामाद आयल बा। आवा आवा। देखा, पाय लागी, पाय लागी। जी अच्छा बिटवा,
हम तोहरा के तो देखले ना रहली, तोहरे दादी के कहे से हमें रिश्ता खातिर हाँ कर देली। अरे बैठा था पहले। हाँ, बैठा, 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 बैठा। बिटिया तनी पानी लिया वा। जी बाबूजी। भाई जब ही से तोहसे रिश्ता खातिर हाँ कैले हई, ई घर में तोहका लेके टीका टिप्पणी होता रे कि तू निकम्मा बाड़ा, काम धंधा नहीं करत बाड़ा। केहू कहता रे सन्यास लेबे के चाहत बा, कविता भजन मा डूबे रहत बा। बेटवा देखे में तो ठीक ठाक बाड़ा, फिर विकृत बीमारी तोके कहाँ से लग गई? ले अरे बिटवा कहाँ खो गई ला? ना 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 जी, हम सन्यासी बनने का ना चाहिए, बस सुबह शाम पूजा पाठ क्यों करेला, वो तो सब क्यों करेला, और सबके करे के भी चाहिए रहूगा कि बेटी के हम खुश रखा, ब्याह के बाद पूजा पाठ बंद कर दे, बस खाली काम काज करब। हम जाना थे कि ये बात भगवान के भी ठीक ना लगा कि सब जने दुनियादारी छोड़ के उनके शरण बैठ जाए, और हम ऐसा कोनो काम ना करब जे रघुवर के पसंद ना होए। हुई गवा, तू बोलत समय सांस नहीं खा लेत का? बाप रे, बोलत तू बाड़ा, फेफड़ा हमार उछलत बा। जी आगे से आराम से बोलब। कविता भी ऐसे ही पढ़त बाड़ा? ना ना, वो तो हम बड़ा सलीका से पढ़त बानी, पढ़ के सुनाई। हाँ हाँ, तोहार ई इच्छा बा तो आपन भड़ास निकाल ला, हमहू के पता चल जाए तोहार काबिलियत का बा। जी काहे नहीं, ध्यान दिया जाए। धन्य वह देश जहाँ बांसुरी ने जन्म लियो, धन्य वह घड़ी जो शाम हाथ आई थी, धन्य वह गोपियाँ जो शाम संग खेली थी, धन्य वह रात जब कृष्ण संग रास कियो, गोकुल की गोरी गोरी उम्र की थोड़ी थोड़ी, एक हाथ आंजो एक आंजो ने पाई थी, थोड़ो रहो शाम तुम्हें नंद की दुहाई, नीक बांसुरी बजाओ जैसी वादना बजाई थी। हाँ हाँ, कविता तो ठीक है बा, लेकिन कविता का खेती कई के आदमी घर नहीं चला सकत। तू चुप रहा, लेकिन तू चुप रहा, तू चला हमारे साथे बाजार, बेटवा खाना साथे में खाए। जी हाँ चला। हाँ चले चले। आ चल बिटिया। जी सुनो बिटिया, जा माई बाबू के कमरा में पहुँचा दे। आवे चली। जा बिटवा तनिक आराम कर ला। ये राउर का कमरा बा, आराम करी, कौनो चीज के जरूरत पड़े तो हमके आवाज दे दी है। हाँ हमार नाम आंचल बा। अच्छा तो हम चले तानी। सुना तुहार दीदी कहाँ बा? दीदी से काम बा। नहीं नहीं कोनो बात नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही का? तुहार दीदी बड़ा सुंदर भी है। अरे बाप रे, ऐसा ना बोली, उनके नजर लग जाए। हम अभी जाई के ठिठौना लगावत बानी। दीदी तोहार होके वाला दूल्हा तोरे पे फिदा हो गइल बा, तनी दूरे रहिया, कहूं बियाह से पहले तोके दबोच ना ले। चल हर बदमाश। राधा दरवाजे के पीछे काहे खड़ी बाड़ो, भीतरे आवा ना। रउआ के कैसे पता चलल कि दरवाजे के पीछे हम बानी? तुहार चूड़ियन की खनक बतावतिया। चूड़िया तो आंचल के हाथ में भी बा। हाँ लेकिन वो हमार खातिर तो ना खन की। हमार चूड़िया तुहार खातिर खन की, ई के कहलस? हमार मन ने। तोहार मन बड़ा झूठ बोलता रे। अच्छा तो फिर केकरे खातिर खनकत बा? हमका जानी एनी गोड़ी केकरे खातिर खनकत बा? आंचल से के कहलस के हम बड़ा सुंदर बानी? हम कहनी केतना सुंदर बानी? अब ई बतावे खातिर हमरे लागे शब्द नहीं बा। रउवा लगे शब्द नहीं बा? रउवा तो कभी बानी।
काल सबेरे से गोपी का कोनो पता ठिकाना नहीं। दिन भर तक गायबे रहता, अब रतिया के भी रह लागल। तो के नहीं पता अपन ब्याह खातिर लड़की देखे गयल बा। का हम तो जन्दी के तोह के पता होई, तोहार माई तोहरे नक्कारा बिटवा के गिरस्ती बसाव के चाहतिया। और ई घर मा का होत बा जौन हम के नहीं पता, केहू बताई हम का? काहे चिल्ला ताड़े, काहे चिल्ला ताड़े? ला आ गई लेन, इन्हीं के सोक बा ओकर बिहार रचावे के सिर पे मौरा देखे के। माई माई, पहले वो घर बसावे लायक तो बने, और तू हमरा से बात के लिए बिना ओकरा के लड़की देखे भेज देलू? वो लड़की देखे नहीं गईल बा, वो तो ब्याह से मना करे गईल बा। हम बात कह ले रही, लेकिन गोपी तैयार ना बा। वो कहले जौन घर मा सांस ले मुहाल बा, वो घर मा वो बहू नहीं लाई। जगन्नाथ, तू तो जोरू का गुलाम होई गए ले। गोपी तोहरन के तिरस्कार से नाप तक डूब गई बा। भगवान न करे कि कौनो दिन वही चौखट का लात मारी के कहूं चल जाए। और जगन्नाथ, तोहार अर्थी बिटुआ के कांधे खातर तरस जाए। राधा, सच बात बोली, वैसे तो हम ब्याह से मना करे आयल रहली, लेकिन जब तोहरा के देखली तो ऐसन लागल जैसे तू तो उही हा जेकर हमार जिंदगी का जरूरत बा। ब्याह से मना काहे करे चाहता नी? राधा, हमार घर का माहौल हमार खातिर ठीक नहीं बाड़े। बचपन में हमार माई चल बसी और बाबूजी दूसर ब्याह कई ले ले। सौतेली माई बाड़े? नहीं, हम उनके सौतेल नहीं मानीला। तो वो तोरा के सौतेला मानेली? भगवान जाने। लेकिन गोपी, हम के ब्याह रवा से करे के बा। रवा हमार साथ दई तो हम हर सुख दुख तकलीफ सबसे लड़ सकीला, और वैसने होत उहे बा जे तकदीर मा लिखल होई। आज रात मा होलिका जले के हा हम प्रार्थना करब कि हमार रास्ता की सगरी रुकावट होलिका संगे जली के स्वाहा हो जाए। आपन ध्यान रखिया और जल्दी आइया, ठीक बा? जी। बिटवा जी, काल तो तोरा पर ठंडाई खूब चढ़ी रही, अब भाइयो ना उतरी होए तो एक दो दिन और रुक जाऊं। देखा गोपी, जौन हरकत तू इनके संगे कैले रहला उहे हरकत अपने दादी के संग मत करे लगी है। चला हटा। चला चला। अरे का भाईल? हम अपन बटुआ भुला गई ली। हम लेके आवतानी। अरे तू कहाँ ढूंढबू, जा जा बेटा, तो ही लिया वा। जा। हमसे बिना मिलने जाता नहीं? सब जने संगे रह ले, यही खातिर हम संकोच में रही। वो तो बटुआ भुलाए के बहाने हम अंदर आइल बानी। अब का बाईबा? अब तो बारात लेके ही आई। जल्दी आ जाइया, अब ज्यादा दिन यहाँ हमार मन ना लागी। मन तो हमार ना लागी राधा, ब्याह होवे तलक मन के समझावे के पड़ी ना। अब हमार मन हमरे बस में नहीं रहा गोपी, अब अकेले हमसे रहा न जाए। चिंता मत करी, हम पंडित के घूस फूस देके मौरत जल्दी निकलवा ले। गोपी बेटा। जी जी बाबूजी, आवत बानी। चलत है बेटा, बटुआ मिल गई? हाँ मिल गई बाबूजी। अच्छा अच्छा, चला तानी। जीत रहा, जीत रहा, खुश रहा। नंदना, गोपी बाबू के स्टेशन छोड़ी आवा। जी मालिक। जी माँ जी। आवे जमाई बाबू। नंदू, तू हमका मरद समझा ता? हम नहीं है, हमार नाम नंदू नहीं, नंदना बा। नंदना का बकवास कर रहा है रे तू? जमाई बाबू, हम बकवास नहीं करता। यकीन नहीं होता ना, चली गन्ना के खेत में सब यकीन दिलाए थे। छोड़ा हमका स्टेशन छोड़ा, अब बैठ।
गिराइबे का नहीं काहे दे हम चलाई अच्छा तू चलोगा तो और मजा आएगा डबल सीट का आदत नहीं बना तोरे आगे बैठे के मजा कुछ और हुई हे जमाई बाबू पहले तो हम साड़िए पहनत रही गांव के लड़कियां साड़ी पी के कत्तो भी हाथ डाल देते रहे अच्छा परेशान होई के तब से हम पैजामा कुर्ता पहने लगली तू एक बात बतावा हमके जानत बाड़े की नहीं अच्छी तरह तू हमरा राधा बहन को होके वाला मर्द है देख नंदू तू ऐसे नहीं रोल कर चुकल बा रामलीला मा हमके बनावा मत हे जमाई बाबू ये सब राम जी के लीला बा औरत और मर्द दोनों का मिट्टी एक ही कही के हमका राम जी बनौले हैं अगर आपका दिल हम पर आ गया हो ना तो दहेज में एक ही चीज मंगियो हमका हम खूब सेवा करब जमाई बाबू ऐसे ले तो फट से पहुंच जा इधर से ऐसे ले ले तो बाबू हां ठीक बा पहले तू ही बतावा हमार बिला गैनी की जिंदा बानी बोला हमार चिता जलाए भेले का पिंडदान कर देले का हमरे जियते जी तू आपन ब्याह का बात पक्का करे चल गई ला अरे जौन लड़की के साथ तू ब्याह करत बाड़ा ओकरे पेट बा रोटी खाताड़ी कपड़े पहनतिया कौन दे ओके अरे तू तो अपन खातिर जंगिया बनियाइन तक नहीं खरीद सकता ओकर पेट कैसे भरबा ओकर तन ढके खातिर कपड़ा कहाँ से ले आईबा हाँ सुना सुना माई तू तो कहत रहलू कि बिया खातिर मना करे गईल बा ई नकारा तो अपन बिया पक्का करके आईल बा और ई बाप के पता तक नहीं ई अपन बाप के बाप नहीं मरल कुकुर समझेला गोपी बोलो बेटा बोलो हाँ दादी हम ब्याह खातिर हाँ कह देली हम तोड़वा देब तोहार बिया जब तलक तू अपन पैर पर खड़ा ना हो जाइबा हमरे जीते जी तू मौरा बांध के घोड़ी पर नहीं बैठ सकता जरूर कोनो खोट हो ही लेकी माँ तभी तोहार जैसे नकारा निकम्मा के अपन बेटी सौंप देहले अरे न जाने कौन दुश्मनी बाड़े भगवान कपूत के हमला के गोद में डाल देना गोपी बेटा अब हम का करी दादी का करी हम तो तोरा से कहले रहली कि तू ब्याह कहके हमार मायके में बस जा दादी माँ अब हम ब्याह नहीं करब हम आज ही राधा के पत्र लिख देत कि ऊ कहू और ब्याह कहले कहके हमार बाग में तो तिरस्कार बस तिरस्कार ही लिखल बा तोहरा के तो तिरस्कार के भी परवाह नहीं बेशरम जैसन डांट गाली सुन ले तड़ा बैठे बैठे रोटी तुड़त एक बार तो कुत्ता भी लात खा के चौखट पे नहीं मुतत बहू चुप कर बुढ़िया हम तो सोतेली माई बानी लेकिन बाप ते सगा बा जब ई सगे के आना बैल तो हम का भरोसा करी ई जब तलक रही कपार पर बोझा बन के रही बोझा अपना रहबे माई अपना रहबे अरे 125 का प्रसाद चढ़ाई जौन दिन तू घर छोड़बे नरक मा तक जगह ना मिली तोके बहू एको बिन माई के लड़का से तोर ई सुखल व्यवहार तोरे छाती मा ममता होगी कलेजा छल्ली कह दे भगवान तो होगी एगो लड़का के माई तो बना दिल है पर माई का होते ई तू समझत नहीं याद रखा बहू जाऊ नवरात दूसरे के लड़कन से घृणा करतिया ओकरे लैकन काहे प्रेम प्रेम और ममता नसीब नहीं होत छाती पीट दे जब तोहार लैका जवान होई जाई हमार खून इतना खराब नहीं बा अरे जा दादी दादी माँ दादी माँ दादी दादी बेटा बेटा अब हम नहीं बचब नहीं दादी हमारी इच्छा रहल कि तोहर घर परिवार देख लेंगे लेकिन लेकिन हमारी इच्छा
नहीं पूरी हुई। अब हम चाहते हैं दादी बाबूजी माही दादी माही 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 दादी माही गोपी गोपी शादी से काहे मना कैलस? अब सच्चाई का बा कौन जाने। गोपी के बाप से पता चलल कि गोपी घर से भाग गई। कहां गई कुछ पता नहीं। और कहां गई होई? सन्यासी बनी के काशी विश्वनाथ गई होई, भजन करत होई। अब ये सब छोड़ा देवर जी, भगवान का धन्यवाद था। कहूं ब्याह हो गई होत तो ये हरकत करत, तब तक हमारी नाक कट जात और हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद हो जात। भगवान जाने अब का हुई बिटिया। भाऊजी, एगो लड़का बा हमारी नजर में, हम बात करत आनी, राधा के ब्याह उहे कर देब। बहुत बड़ा हवेली बा उनकर। सठिया गई ले बाका? अरे आज अचानक तो होके ई बनारसी साड़ी मा देख के हमके हमार जवानी का झटका लग गईल। ई उम्र मा जवानी के झटके मतला, कहूं कहूं अंग टूट गईल तो खटिया ले ले बा। ओ मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। का करत बाड़े सगरा घर मेहमान से भरल बाड़े, कहूं कहूं देख ले था। अरे तक का भइल, जवान बेटा के ब्याह बा, अरे हमरो ऊपर थोड़ा बहुत जवानी आ गईल, तए में बुराई का बाटे? अब पतझड़ के मौसम मा बसंत की बात काहे करता रे, दिल के चाहे जितना जवान कहला, देहिया के पता बात कि ओकर उम्र का बाड़े। अरे दुर्गा रानी, शराब जितना पुराना होखेला नशा उतना तेज चढ़ेला। शराब और शरीर मा यही तो फर्क बा, शराब बूढ़ी होके जवान होत बा और शरीर बूढ़ा होके बच्चा होत बा, और बच्चा ऐसा हरकत नहीं करेगी। अरे तू तो हमार सगरी उम्मीद पर पानी फेर दे। खूबसूरत समधन मिलल बा, सोचत रही कि तुहार संगे थोड़ा बहुत अभ्यास कर ली तो ओकरा ऊपर जाल फेंकब, लेकिन तू तो सब मजा किरकिरा कर दिलू। अपन खातिर समधन लेवे जात बाड़ा के बेटे के खातिर बहू? अरे जब दोनों मिल जाए तब बुरा का बा। जयराज। हाँ माई। जयराज ई का? अरे हम तोहार शादी के तैयारी में लागल बानी और तू हिया निशानेबाजी में लागल बाड़ा। माई, ब्याह में दूल्हे के करे खातिर होते काबा, बारा चले के होई, बना सवारी के घोड़ी पे बिठा दिए, चला जाए। बेटा
तू खुश तो बाड़ा ना? तोह के ऐसन बुझाला कि हम खुश ना बने। देखा ना, तू ना तो लड़की के फोटो देखला, ना ही अपन पसंद ना पसंद का बात कहेला। माई तोहे पसंद बा ता ठीक बा। जयराज बेटा, भगवान तोहके दे के हमके माई बने का सौभाग्य दे दई ले, अब तू पोता दे के हमके दादी बना दे। जब माई का बेटा जवान हो जाला तो ओकर माई खातिर पोता चारों धाम के फल जैसन हो खेला। तोहार ही फल खातिर तो हम ब्याह करत बानी माई। माई आवा तोहे बंदूक चलावा सिखाई दई। रह द, वक्त आवे पर चलाई ले। चल अब हल्दी लगवा ले। अरे वीडियो वाले के बोल देला, बरातियन के कौन सा सिनेमा दिखावत बड़ा? दुई ठू सिनेमा ब्रह्मचारी जी, गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई बे और बलम परदेसिया होई गे। अब देखा नंदना, बेटवा के शादी नहीं बिटिया का शादी बा। मालूम बा। तब बरातियन के खातिरदारी में कौनो शिकायत ना होवे के चाही ना हो ब्रह्मचारी। हाँ। जी और बोला। उंगरिया दूर रखा, उंगरिया दूर रखा। भौजी, ए भौजी, आज तू अपन घर जात बाड़े, तोरा के पाले पोसे में तोरे माई बाप की तरफ से कोनो कमी रह गई लो के ना बेटी हम कब माफ करिया। माई बेटी चुप हो जा, बेटिया चुप हो जा। और सुना बेटिया, आप तो हर पत्नी है तो हर सब कुछ बा, पति के परमेश्वर मनिया, कब माई बाप की इज्जत पर कोनू आज ना आवे दिया। दीदी दीदी तुम्हार बहुत याद आई। आमिटिया Thank you.
हमरे ठुमका के कीमत बा 10-20-30 हजार 56 करोड़। माई तू अभी तक जागत बाड़ू? आज हवेली मां रज जगा बा, सब केहू जागत बा। हम तोरे ब्याह से पहले बिनती कही ले रही कि बबुआ सुधर जा, लेकिन तू अपन माई के जुबान का लाज ना रखला। आज तोहार सुहाग रात बा, तोहरा बहुत तोहरे इंतजार में सारी रात जागत बा। जानत है हम, जानत है माई, और हम जहर से आवत बानी ना, वहाँ भी केहू हमार इंतजार करत रहे। जे हम उहर नहीं जाते ना माई, तो वो सारी रात हमार इंतजार में निकाल देत। तो के पत्नी और पतुरिया में फर्क ना बुझात पा? माई आइन तो दोनों औरत। जयराज चिल्लावा नहीं माई, चिल्लावा नहीं, हम तोहरे कहे से ब्याहते कर ले ली, पर एक पल्लू से बंद के हम ना ही रह सकत। जे यह बात तो से तोहर पत्नी कहत था? जयराज, जयराज तू हमारा औलाद बाड़ा, यही खातिर हम तोहर ममता में आनर बानी, लेकिन वो आनर होके तोहरा से प्रेम ना करी, वो माई नाही, बीवी हो जयराज, बीवी। हम गिरब नहीं, जब गिर जाब तब संभाल लिया। तो से कभू ना कहत कि हमार खातिर पैक बनावा, चंदा जायसन नाचा। जागत का है बाड़ो? रवर इंतजार करत रह ली। इंतजार? इंतजार? अरे रात एक और इंतजार दस करत है। बेटा तू कौन बाड़ा? पहले कभू यहाँ देख ली नहीं? कौन गाँव क्या? बाबूजी एगो रमता जोगी समझल जाए, अब ना तो कोनो हमार घर बा, ना गाँव ना परिवार, यह जिंदगी बा जेकरा के बस जिए के बा। अब चाहे भगवान के बन के जिए या भगवान के आपन बना के जिए। बेटा ये तुहार त्याग बा या मजबूरी? पता नहीं खे, शायद ऐसे हमार मन का बोझ थोड़ा कम हो जाला। कहाँ रहला? कोनो ठिकाना नहीं, उता जहाँ धरती मैया जगह दे दी उहें घरोंदा बना लेतानी। बेटा तो से मिलके बड़ी खुशी भई, कोनो उतराज न होके ता कुछ दिन खातिर हमरे घर में रह पा। मालिक ई तरह के वो अजनबी के घर ले जाए ठीक नहीं। त्रिफला हम इनके मंदिर से ले जात बानी, और मंदिर में रहे वाला केहू खातिर अजनबी ना होला। तबहियो माली दाढ़ी कितनो बड़ी काय न हो जाए, मूंछ की जगह नहीं उगत है। तो चुप कर, चला बेटा चला। अगर तो हमरा घर का अन्न ग्रहण कर ले बा तो हम अपने आप के धन्य समझब। चला बेटा चला। ई लड़का गोपी बहुत अच्छा भजन गावेला। अच्छा? हाँ। आवा दुल्हन ला। बेटा ई हमार बहुरिया बाटे।
प्रभु एक ऐसी परीक्षा लेत बा जो जीवन से चल गई ओके जीवन में आवे का अधिकार न दा। आपन मन मंदिर मा हम गोपी के मूर्त रख ले रही लेकिन अब हमार पति अब हमार पति हमार भगवान बा हमार देवता बा हमार लाज रखा प्रभु हमार लाज रखा हमरे इन कांधे पर हमरे नैहर और ससुराल इतन नौ घर के आबरू बा हमार लाज रखा प्रभु हमार लाज रखा। बाबूजी हम जावा चाहता नहीं। अरे अचानक कछु याद आ गई। इतना जल्दी कहे जात बड़ा का तो के ई घर के खाना पसंद नहीं आई। कैसन बात कहता नहीं बाबूजी एगो अजनबी खातिर इतना सम्मान हर इंसान में नहीं होला। देखा बेटा हम भगवान में बहुत आस्था रखीला और जे कोई भगवान में आस्था रखेला उनकर हम बहुत सम्मान करीला। बाबूजी हम बाहर जाता नहीं। ई हमार बेटवा हवन जयराज। प्रणाम। हम पहचान ली नहीं बाबूजी। इनकर नाम गोपी बा अतिथि। ठीक बा। बेटा जी हम तो अंगूठा छाप बनी सुस्ती रह गई नी अपना बेटा के पढ़ा ही ना सकली। हाँ बेटा जरूर किताबन का थैला लिए जात रहा और गन्ना के खेत में जाके बैठ जात रहा और सांझ के घरे लौटावे और इस तरह हमार बेटा भी अंगूठा छापी रह गई। हमरे पास आज सब कुछ है जमीन जायदाद आटा चक्की लकड़ी चीरे वाला कारखाना लेकिन हमरे बात ये सब के देखे वाला क्यों नहीं के काहे जयराज बाबू ना ही संभालत। जाए तो बेटा अपन औलाद में ऐब निकाल भी निक नहीं लागत। अरे सुना देखा भाई गोपी जाए के जिद करत बा अब तू ही समझावा। गोपी बेटा थोड़ा रुक जाना हम तोहरे मुंह से भजन कविता सुने चाहता नहीं। ठीक बा माँ जी रहुआ कहता नहीं तो हम रुक जाता नहीं। त्रिफला लूटला त्रिफला जी मालिक। त्रिफला ये गोपी के अपना खेत और कारखाना घुमा दे। जी मालिक। जा बेटा। अच्छा बाबूजी चला हो राम रमैया। चला गोपी बाबू तू भगवान के बड़ा मानेला काहे रउआ नहीं मानेला का भगवान के तो मानत बनी पर भगवान की नहीं मानत। का मतलब अब देखा ना भगवान कहत बा कि कर्म करा फल की इच्छा मत करा। अरे प्रभु फल की इच्छा न करब त खाएब का है? अब हमार मालिक बुढ़ौती में जब नट बोल्ट ढीला हुई गैल बा त कहत बाड़े कि हमारी तो भगवान में बड़ी आस्था बा। अरे आस्था बा त घर बैठ के चुपचाप आस्था चैनल देखा तो उनसे पूछा कि जवानी में भी ऐसा ना मंदिर जात रहले का बात कहता रे ऊ तो हमका बड़ा नेक इंसान बुझात बाड़े। हम का कहत बानी कि ऊ पापी बाड़े डाकू बाड़े। अब जेकर लइका दुष्ट बा पापी बा ओकर माई बाप में मा कोनो कमी तो जरूर रहल होई ना समझत हो ना बुझत आड़ा ना। अब हमार मुंह न खुलवावे गोपी बाबू कुछ दिन और रुका सब अपन आँखें से देख ले होएगे। उजे लईकी ई घर मा बहू बन के आयल बाड़े
ओकर जिंदगी एकदम बर्बाद बा। अरे ओकर भाग फूट गइल बा। जयराज बाबू एक नंबर के अय्याश बाड़े। ताका ईसा बड़े मालिक के पता बा? अरे बड़े मालिक की बात तो जाए दा भाई, गांव के कुकरन तक का मालूम बा। अरे गांव के कुकुर जयराज बाबू के देख ले तो टांग उठाई के ओकरे पर बुझला। अरे भैया दाढ़ी कितना बड़ी काय न हो जाए पर मूछ की जगह नहीं ले सकत है। ए चाचा काम चालू रखा भाई। चूड़ी वाला पिता वाला चूड़ी वाला है? अरे पिता वाला चेहरा भी मिलत बा नकरा में उंगली भी करत बा नंदू नंदना। अरे चोटी वाला कौन पे खाटू नहीं है ना चूड़ी वाला फीटा वाला का भैया हम कहीं टुकु टुकु कहीं ताकत है। अरे हमार नाम नटवर लाल बा भाई। नटवर लाल? हाँ पर वो नटवर लाल नहीं वो नटवर लाल तो पहनाओ ताड़े लेकिन हम सबके चूड़िया पहनाओ ताड़े वो सबके टोपी पहनाओ ताड़े हम सबके कंगन पहनाओ ताड़ी। अच्छा अरे भैया सुना जरा। बोला भैया। अरे लगा का तू यही गांव के बाड़े का? भैया सात पीढ़ी से तो ये गांव में बानी। तुहार कोनो जुड़वा भाई बा? पता नहीं हो सकत है वो का है हमरे बापू के अलग अलग गाँव में जाके चूड़ी पहनाओ का आदत रहल और गांव के जनाना रही ना उनके खूब मजावत रहा हमारे बाप के हाथ से चूड़ी पहने में। वैसे में हमारे बाप कौन हरामपंथी कह दे हो तो पता नहीं। ठीक बा। वैसे तू कौन गांव का है? हम तो बाहर से आयल बानी। अच्छा अपने घर का पता हमका दे दिए। कहे भैया? अरे तोरे मरारू की चूड़ी हम पहनाई ना हमार ब्याह ही नहीं भइल। तब बेकार में काहे हमार टाइम खराब करा तड़ा हम मर्दन की चूड़ी नहीं पहनाई। चूड़ी वाला फीता वाला चोटी वाला का भइल ए नटवर चूड़ी वाला की जानत बाड़े का? त्रिफला बाबू ऐसा नहीं शकल के दू लोगन के हम पहले भी देखले बानी। देखले हुई बा चला। अब का है कि हमार देश लड़का पैदा करे के मामले में नंबर वन बा। अरे ऑस्ट्रेलिया के कुल जितना आबादी बा ना उतना तो सारा यहाँ रोज उगत बा का? अरे लड़का अरे जब माल ज्यादा सप्लाई करे के पड़ता तब भगवान भी बेचारे थक जाता रे थक के बैठ जाता रे। अरे गोपी बाबू पर इंसान कहाँ थकत बा हा? उत लगातार गपा गप त गपा गप त गपा गप तो भगवान भी बहुत हुशार बा एकदम शॉर्टकट अपना लेते हैं। कैसा शॉर्टकट? अरे भैया इक्कीस शकल के दो चार गो छे छे गो जेराक्स मार के औरतन के गर्भ मा चप 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 चिपका देते हैं। तीन तो तू देख भैया और बाकी का जिंदा रहले तो दुई चार भी कबू केले ले ले केला बेचत तो भाइयों और बहनों वोट मांगत दिख जाए। अरे सब भगवान की माया बा गोपी बाबू। अब गोपी बाबू एक बात ध्यान से सुन ला का दाढ़ी कितना बड़ी काय न हुई जा मूछ की जगह नहीं बुझला बुझला चला आवा पाई लागू माजी जेतरा दुल्हन जी माजी बिटिया तनिक हमार सिर में तेल लगा दे न जाने का है आज हमार कनपटी में हुक उठत बा। अबहिन तेल लेके आवत बानी माँ जी। तोहरे पास हमार खातिर भी कछु समय बाकी नहीं। माँ जी के सर में दर्द होता दबावे जाता नहीं। हमार सर में भी दर्द होता रे रात के दबा दई चासनी
के दबा दे। छोटे मालिक, सर दबावे से कुछ ना होई, ओकर पाँव भारी नहीं होई, कुछ और करी। छोटी मालकिन और बड़ी मालकिन दोनों के पोता चाहिए। बड़ी मालकिन के का चाहिए ई छोड़ा, हम के का चाहिए ई सोचा। दुल्हन, जयराज हमार इकलौती संतान बा, बड़ी मन्नतन पूजा पाठ प्रार्थना के बाद पैदा भइल बा। हम तो सदा ओकरे खुशी में ही अपन खुशी देखनी। हम ओकरा से बड़ा प्रेम करत पानी, ओकरा कौनो कमी पर तक नजर ना गई। हम जानत बानी उ थोड़ा लापरवाह जिद्दी बा। दुल्हन, माँ औलाद के जन्म देत बा, पत्नी जीवन संगिनी। हम जन्म दे देली, अब साथ तोरा के देवे के बा। जी माँ जी। चूड़ी वाला, अरे चूड़ी पहन ले भौजी, हरी लाल कांच लाखन का चूड़ी पहन ले भौजी। अरे लूटला, ये लूटला, अरे लूटला, ये नटवर चूड़ी यार, जरा रुका भाई। एक बात बताओ, यहाँ ही दोपहरिया में गांव के मरद लोग जब काम पर चल ही जाता रे, तब तू घर की औरतन के चुपचाप चूड़ी पहनावा ताड़े। तो हार छाती काहे फाटत बा, तो है काहे बवासीर होत बा। देखा औरत मरद के नाम पे चूड़ी पहना ताड़े, और जे औरत मरद से प्रेम करता वो अपन कलाई चूड़ी हार के हाथ में देबे करी ना। अरे लूटला, एक बात बतावा नटवार, कलाई पकड़े के बाद तोरे जियामा तो जरूर कसक होई बे करी। देखो त्रिफला, हम तो हार जैसन गिरल नहीं है, और चूड़ी कलाई में पहनल जाला, एकरा खातिर कलाई पकड़े के पड़ेला। शुक्र बा, कचूड़ी कहूं और नहीं पहनल जात। हाय दैया, दर्द होत बा, तने धीरे धीरे चढ़ावा ना, बाद में तो उंगली पर रखते ही चूड़ी कलाई पर सर से सरक जाई। सर से सरक जाई। नटवर, सबेर से बैठल बानी, जैसन कोनो जवान लेके आवतिया, पहले तू ओके चूड़ी पहनावत बाड़े। अरे कैसन बोला तू भौजी, ऐसन जिन बोला, नहीं तो गांव के लोग हमार फाड़ देंगे। का? अरे कपड़ा। तक हम झूठ बोलत तानी, हम ने देखत बानी तू चूड़ी पहनावत बाड़े, मौका देख के चौका मारत अड़े, लेकिन के मना करे पड़ी की तोरा से चूड़ी ना पहने। अरे काहे इल्जाम लगा ताड़ू भौजी, ए देखो हो गया, अब तोरे नंबर पर जा। जवानी ठेंगा दिखा के चल गई, लेकिन अभय तक चूड़ी बिंदिया कचरा भी चाहे बुढ़िया के। एनी गोड़े, तू बुढ़िया क्या क्या कहत पड़े? अरे आवो बैठे भौजी। अब ही एक बरस कम बा, 50 का होए में समझ ला। हाँ समझ गई भौजी, आजे तो 16 साल लागल बा तोरा के। ठीक बानी राधा। का बात भाई, आवाज कैसे बा? अरे गोपी, का भाई? हाँ हाँ का भाई, गोपी का भाई, हमार कमरा में चोर आइल रहा,
ये बचावे खातिर आए तो चोर चक्कू मार के भाग गए। अरे बड़ा खून बहता रे, जा दुल्हन पट्टी लेकर आ जा। जी माँ जी। जयराज कहाँ बा? कहाँ करत बा? कहाँ करत बा? अरे बस भी करा। अवना। छोड़ा। छोड़ा। छोड़ा ना। ओहो तो के नाश्ते में भी चाशनी चाहिए और खाने में भी। हमका सतयुगी औरत नीक नहीं लागत। छोड़ा, छोड़ा ना। परेशान करके रख दी है। बस भी करा। मसक डलवा का। छोड़ा, छोड़ा ना। छोड़ा। केहू आएगा? देखा, केहू। का करत रहे तू भीतर? हम का करब? जौन करे के होत बा तो हर पति करत बा। हमरा के का थप्पड़ मारत है छोटी मालकिन? हम बानी तक कम से कम छोटे बाबू रात घर तक लौटत बाड़े, तो हार खाते तो ऊ घर भी ना आवे। अपन दुल्हनिया के संभाला छोटे बाबू, बड़ी आई चाटा मारे वाली। का कहत रहलु चासनी से? हमार कसूर का बा? का कमी बा हमरा मा? हम आपन मांग मा रवा के नाम के सेनूर भरत बानी, कुछ तो लाज रखल जाए बंधन का। रहुआ के भरोसे हम यहाँ आयल बानी, रहुआ ही भरोसा तोड़ दे तो हम कहवा जाए? कहवा जाए भा? छोड़ा, छोड़ा। कहवा जाए भा? राधा एक बात कही तो से, तुझे घर में इतना दुख उठाओ तारू, ये देख के हमार पाँव के नीचे से जमीन सरक गईल। के कहलास तो से? हम दुख उठावत बानी, हम दुखी बानी, हमार जिंदगी नरक हो गईल बा। देखा गोपी, तू ही घर में मेहमान बाड़ी, तोहरा के कौनो हक नहीं बा हमार घर के मामलन में दखल देवे का। हमार पति के हक बा, जैसन चाहे हमार संगे सुलूक कई सकत बाड़े, तोहरा के कौनो जरूरत नहीं दुख या हमदर्दी जतावे का, समझ लो राधा। जयराज बाबू, हम कुछ दिन राउर घर में रही के देख लेंगे। रउआ औरतन के बड़ा इज्जत करा ताड़े और करे के भी चाहिए, औरत होते ही ऐसन बा, माई बन के जन्म देत बा, बहन बन के मीठा प्यार और पत्नी बन के तो कई औरत बाड़े ही गांव में, जिनकर रउआ दिल राखत बाड़े, जिन से दिल लगावत बाड़े, फिर राधा पर काहे जुल्म? उ भी तो औरत हा, राउर अर्धांगनी, ओके काहे रुलावत आड़े? ये सब तो से के कहलास? आपन आखन से देख ले है। तू अतिथि बनके हमरे घर के अंदर झाकत आड़े? रउआ के घर के अंदर जौन कुछ भी होत बा वो घर के बाहर भी दिखाई पड़ेला, वो में झांके की जरूरत ही कहाँ? अब देखी ना, राउर हवेली वारिस होके के बाद भी वारिसदार के खातिर तड़पत बा, राउर माई बा बेटा होके के बाद भी बेटे के खातिर मोहताज बा, राउर पत्नी पति के होके के बाद भी पति के खातिर तरसत बा। तू हमसे पूछत ताड़े या
हमके बतावत ताड़े। जयराज बाबू जाना ताड़े, औरत के देवी काय कहल जाला। यही खातिर एगो औरत यहाँ जेके हुमरत की हो जाए पर लाज और मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नाही लांगेला, नाही तो ब्याह के बाद जौन कुछ मरद कर सकत बा वो औरत भी कर सकेली। जयराज बाबू औरत के पाँव की जूती मत समझा। अरे औरत अपन घर परिवार माई बाप सब कछु छोड़ के एगो अजनबी मर्द के जीवन का हिस्सा बन जाला, का यही खातिर कि मर्द होके अपन जीवन का सरल हिस्सा समझे। नाही जयराज बाबू नाही, राधा पर तरस खाई, उनके 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 ये एहसास कराई का मौका दे कि रउआ होने के पति वाले। ए अतिथि बाबू, तू हमरे घर में हो हमरे बाऊजी की वजह से, और ऊ बाऊजी कभी हमका नसीहत नहीं दिए, तो तोहार कैसी हिम्मत भाई। अगर दोबारा हमरे घर के मामले में दखल दे की कोशिश की ना तो तोहारी खोपड़िया उड़ा देव हम, तोहारी खोपड़िया। हेलो माई, माई तू कैसन बाड़ू, और बाबूजी काका आचल ई सब कैसन बाड़े। सब लोग ठीक बाड़न बिटिया, तू बतावा तू कैसन बाड़ू। हम बड़ा खुश बानी माई, बड़ा खुश बानी, इतना खुश बानी कि तोहरा सबके भुला गई नी। राधा बिटिया का भइल, तू तू रोवत बाड़ू। हाँ माई, लेकिन एकर मतलब ई नहीं खेबा कि हम दुखी बानी, यहाँ हमार केहू ख्याल न रखेला। माई तू ही तक कहत रहलू कि जब ज्यादा खुशी मिल जाला तो रुलाई आ जाला, कहत रहलू ना माई। बोला माई, कहत रहलू ना। हाँ बिटिया। माई अब यह है हमार घर, हा यह है जिंदगी काटे के बा, बस कुछ है तो दिन फैल बा यहाँ आए केकरा के जानत रह ली हम। हाँ जैसे जैसे दिन बीती सबके जान जाई सबके। माई यहाँ हमरा के बाबूजी जैसन ससुर जी और तोहार जैसन सासू मिल गई, इतना बड़ा घर मा तू हमार बियाह कैले बाड़ू। इतना बड़ा घर मा हमाई। राधा बिटिया तू खुश तो बाड़ू ना। माई तू बार बार काहे पूछताड़ू कि हम खुश पानी। माई हम खुश पानी, हम बहुत खुश पानी माई। बिटिया भगवान तो रखे सदा ऐसे ही खुश रखे। बात करवा बिटिया, कल तीज बा, बिहा के बाद द्वार पहला तीज, हम सब सामान भेज दिली, व्रत रखिया और भगवान से घर की खुशहाली खातिर और पति के लंबी उम्र की खातिर प्रार्थना करिया। ठीक बा। अब हम फोन रखत बानी बिटिया। दुल्हन तोहर जैसे दुल्हन पाके हम धन्य हो गए नी। धन्य बाड़ी वो माई जेकरे कोख से तू जन्म ले ली। राधा ई घर में हम इहे लिए रुकल बानी
कि तोहे कुछ बता सके। अब का बताए बा, हमरे संगे छोट कुछ भी होत बा ओकर जिम्मेदार तू बाड़े। बड़ा दर्द होत बा जब सपना टूटत बा। सही कहता रू राधा। लोग कहत बाड़े और धरती बा उमे सहे की ताकत बा। नहीं गोपी नहीं, और धरती नहीं बा। धरती अपन सीने पर बबूल का पेड़ उगाए सकत बा, लेकिन औरत औरत बबूल का एक कांटा से भी कड़ा उठा ताड़े। औरत भी इंसान बा, ओकरे भी चोट लागेला, पीड़ा हो खेला, आंसू बहेला। हम जानत बानी हो तू है बा जे तकदीर में लिखल होए, लेकिन हमार तकदीर, हमार तकदीर का रचयिता तू बाड़े। हमरे ई माथे पर जो लिखावट हो ई तो हर बा एगो अर्थहीन कविता के जैसे। बड़ी बेशर्मी से तू हमार तकदीर लिख ले बाड़ा। नाही राधा नाही। हम के बोले दा गोपी, हम के बोले दा। हम आपन तन मन से तोहरा के आपन मान ले, और तोहर एक चिट्ठी आई कि तो हमसे प्यार नहीं करा चाहता रे। सोचा कि तोहर ऊ चिट्ठी पढ़े के बाद हमरे दिल पर का बीतल होए। ऊ चिट्ठी लिखा समय हमरा पे का गुजरी राधा। तोहार तो दुनिया बस गई, हम तो तोहरे बगैर आपन दुनिया तक ना बसा पाईली। फिर काहे गोपी, काहे बियाह से मना कईले, काहे आपन घर वालन की वजह से। जब हम तोहरे घर से लौट के आपन घरे गई नी, वहां हंगामा हो गई। हमार दादी माँ के भी देहांत हो गई, उनकी ही अस्थि कलश लेके हम गंगा माँ विसर्जित करे जात रही, और हमार ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हम बच गई नहीं, लेकिन जब होश आई तो अपने के साधुन के आश्रम में पाई नहीं। हमके बड़ा चोट लागल रहल, कई महीना लग गई हमके ठीक होवे में। बाद में पता चलल कि तुहार ब्याह हो गई। हम तो सब कछु छोड़ के जोगी जैसन भटके लगली। उ तो संजोग से हमार भेंट तोहरे ससुर से हो गई, और वो हमके यहाँ ले आईले। हम तोहरा के देख ली तो सोच ली कि हम चल जाई, लेकिन फिर सोच ली कि अब तू मिल गई बाड़े तो सगरी गलत हमें दूर कर दी, और हम रुक गई नहीं। लेकिन जब तोहार दुख देखा तो हमार करेजा काँप उठल। हाँ राधा, हम स्वीकार करत बानी तोहरा के जौन दुख मिलत बाड़े ओकर जिम्मेदार हम हई, और हम इस सब खातिर हाथ जोड़ी के माफी मांगत बानी। हम तोहार दुख तो ना ही दूर कर सके, लेकिन भगवान से प्रार्थना जरूर करब तोहार सगरा दुख हमका दे दे, तोहार आंसू हमका दे दे। अब हम जात बानी, तोरा के खुशी तो ना दे पहली, तोहार दुख भी ना ही देखल जात। ये राधा, तोहके पाके हमका ऐसन लागल कि जिंदगी की सारी खुशी हमके मिल गई, लेकिन लेकिन आज हमके लागल कि हमार तकदीर माँ तो उसे ब्याह के योग नाही बा। हम अपन मन मंदिर से तोहके निकाल त ना पाईनी। हाँ, तोहार जिंदगी से खुद के निकालत बानी। हमार रास्ता मत देखी हा, हमार इंतजार ना करी हा, हमरा के भूल जाई हा। हो सके ता अपन दुनिया बसा ली हा।
कौन बा गोपी, का संबंध बा उसे तोहार? कौनो संबंध नहीं बा। तई प्रेम पत्र काहे लिखले ऊ तोहरे खातिर? गोपी से हमार ब्याह होके वाल रहिल, लेकिन टूट गई। ब्याह टूट गईल पर संबंध नाही टूटल? नहीं, कौनो संबंध नहीं बा गोपी से हमार। ता फिर ऊ यहाँ काहे आयल रहल? ओके बाबूजी यहाँ लाइल रहले। बाबूजी से ओकर कौनो संबंध नहीं खे, ऊ यहाँ आयल तोहार खातिर, तोहार ओकरे संग है संदबा। नहीं, भगवान खातिर ऐसे किनो ना इल्जाम मत लगावा हमरा पे। इल्जाम? ई इल्जाम नहीं, सच्चाई बा, और एकर सबूत बा तोहार प्रेम पत्र। तू तू मांग मसे नूर त भरेलू हमरे नाम का, पर तू मन से मानेलू सुहाग गोपी के। ई चूड़िया त पहनलू हमरे नाम की, पर ई खन के गोपी के नाम से। तू चरित्रहीन बाड़ू, हमरे पीछे तू। नहीं, भगवान खातिर ऐसा ना बोली। हम रवा के पाँव पड़ता नहीं, हाथ जोड़ता नहीं, हम पर शक न करी। हम आपन पवित्रता की अग्नि परीक्षा देवे के तैयार बानी। अग्नि परीक्षा तो तब लिहल जाए जब शक होत बा। हमरा केता पूरा यकीन बा कि तू उल्टा बा, चरित्रहीन बा, बा। चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो तोहार मुँह काला काई के पूरे गांव में घुमाई देव। जौन औरत ससुराल में अपने आसिक के बुला सकत है, ऊ औरत मायका में न जाने कितने मर्दन के साथ सूतल रहल हो। तू औरत के नाम पर धब्बा हो, तू यहाँ रहबू तो हमार और हमरे घर का अपमान हो। चुपचाप यहाँ से चल जा, नहीं ता। बड़े मालिक तो पटना गईल बड़े, उनके पीछे ही सब। मेरी पिया बड़ा भेद दी चासनी। हाँ त्रिफला बोला। छोटे मालिक बहू के घर से निकाल दीलन। का कहता रे? का भाई त्रिफला का फोन रहल। हाँ। जयराज बहू के घर से बाहर निकाल देलस। का? हाँ। बहू के प्रति ओकर व्यवहार पहले से ही ठीक ना रहल। कहूं के ना रखलस हमके ई कपूत। बड़ा कोफ्त होता, पहले तो भगवान औलाद के खातिर तरसैले, और जब दिले ताईसन की अब उहे औलाद त्रास देता रे। ठीक हो जे हम निर्वंशी रहती, सब तुहार लाड़ प्यार के असर बा। लाड़ प्यार नहीं करती तो और का करती? ब्याह के 7 बरस बाद माई बने का सौभाग्य मिलल, रउआ ओकरा से प्यार नहीं करती? बिगड़ गईल तो हमार ममता के को सदबाड़े। जय जय अपने घर जाके जयराज के समझा। बिटिया अब तुहार पति ही तुहार सब कुछ बा, अपने पति के ही बनने सुन मनिया, और कभो आपन माई बाप की इज्जत पर आज ना आवे दिया। बिटिया तुहार घर द्वार, तुहार दुनिया सब तुहार ससुराल ही बा। लड़की जब ससुराल जाला ता डोली में, लेकिन जब निकलेला ता अर्थी में। फोन करत रहनी तब तक तू कहलू हम बड़ा खुश बानी, हम सबके भुला गई नहीं हो, फिर अचानक ई का हो गई। तू
तू काहे खुदकुशी करे पे मशहूर हो गई लू? बोला बोला बिटिया। राधा तू बोलत काहे नहीं खे? बोला बतावा का भइल? चुप हो जा। तू हमरा पर लांछन लगाता रे कि गोपी से हमार न चाहे संबंध बा। जयराज के गोपी के विषय में पता कैसे चला? संजोग से ससुर जी के गोपी से मुलाकात हो गई और वो गोपी के घर में ले आई ले। कुछ दिन तक वो गोपी के मेहमान बनाकर घर में रख ले। राधा सच्चाई का बा? कौनो संबंध नहीं, कौनो संबंध नहीं बा गोपी से हमार। बिटिया सच बतावा राधा, कहीं कहीं तू आपन मर्यादा लांघे के खुशी से न कह लू? राधा कान खोल के सुन ल, जे तोहार पांव बहकल तो हम तोहार जान ले ले और खुद भी मरमरा जाई। समझ लू कि नहीं? हम दर्द लेके जी सकीला लेकिन दाग लेके नहीं। सया हमारो चाशनी तोहर हिम्मत कैसन हुई हमारे बेटा के बिस्तर पर सोवे की? ये हिम्मत तो रवा के बेटवा ही दिए हैं हमका। खामोश रह। बड़ी मालकिन, राव और बेटवा हमरे मांग में सेनहु तो ना भर लेबा, पर आज तक आपन दुल्हन जैसन ही रख लेबा और अब तक तोहर पोता भी हम ही पैदा करके दे। रउआ इत थप्पड़ का हम बुरा ना माना बड़ी मालकिन, सास पतोह में तो इसे चलते बा। तोहार हिम्मत कैसे भइल हमार घर में पांव रखे के? बाबूजी हम चुप रहा। तोहरे वजह से हमार बिटिया के जिंदगी बर्बाद हो गई, नाक कट गई हमार, बसा बसाया घर उजड़ गई और लोग कलंक लगौले कि हमार बेटी के तोहरा से ना। बाबूजी ईका कहता ले, रउआ दुनिया की ना सुनी। बाबूजी दुनिया की ना सुनी, रउआ की बेटी गंगा जैसन पवित्र बा, गंगा जैसन। ओकरे माथे पर कलंक घर से निकाल दे खातिर मरल गईल बा। पर काहे? बतावा तानी, ई तो रउआ की बेटी का महानता बा कि अपन पति की काली करतू तन पर पर्दा डाल दिहले, जबान पर ना लाइल बाड़े और ई सब हम अपन आखिन से देखले है। राधा हुआ कोनो दुल्हनिया का सुख नहीं, एगो नौकरानी की सौत की सजा काटत रहली। का कहत बाड़ा तू? जे ई बात सही बा त हम उ लोगन के माफ ना करब जे हमार बेटी पर बचलनी का दाग लगावत पड़े। कुछ ना होई, इस संसार में पगड़ी बेटी के बाप का ही उछलत बा, कबहू दहेज के नाम पे तो कबहू बेटी के चरित्र के नाम पे। कन्यादान संसार का सबसे बड़ा दान होखेला, लेकिन उ दान करे वाला ही कबहू सम्मान ना ही पावेला। हम सबके आगे हाथ जोड़त बानी कि हमें राधा के ओके ससुराल ले जाए की आज्ञा दिल जाए, हम एकरे पति के पांव पड़कर सगरी गलतफहमी दूर कर दे, इनकर मान सम्मान सब कछु वापस दिलाई। नहीं तो के हमार बेटी खातिर वकालत करे का कोनो जरूरत नहीं बा, ई हमार मामला बा, हम देख ले। राधा गोपी के वजह से बदनाम भई और वो बदनामी का दाग हम ही धोए, चाहे चली जाए हमरी जान। चला राधा। माँ जी माफ करी है। चला राधा चला। राधा राधा अरे बिटिया गोपी सुना था? का भाई? राधा का भाई? तमाशा हो गेल बा हमार जिंदगी, तमाशा। जे पढ़ा लिखा रहल ओ ब्याह से पहले छोड़ दिले और जे अनपढ़ बा ओ
ब्याह के बाद तोहके प्रेम करब और जहरा से शादी करब, दोनों हमरे खातिर अभिशाप बन गई। राधा, हमरा के भी तो आज तक कुछ ना मिलल, ना भगवान से ना दुनिया से, लेकिन ई सोच के हम टूट ना गई ली। हो सकेला शायद यही लिखल बा हमार किस्मत में, तो से प्रेम कई नी ना पई नी, ई भाग का ही खेल बा, लेकिन बर्दाश्त कई ले ली। लेकिन हमरे वजह से तोके बदनामी मिले, ई बर्दाश्त नहीं होला। हम तोरे आगे हाथ जोड़ा तानी, हमरे संगे चला राधा, हमरे संगे चला। तुहारी बजाल कि तू बहू के घर से निकाल दिला, तका करती ऊ बच्चलन के पतिवर्ता बनाए के यहाँ बिठाए रहती। बच्चलन ऊ ना, बच्चलन तू बारे, तू का समझे तड़े कि इतना बड़ा हवेली बा, तू कौन कोना में का करेला, तो का हमका खबर ना मिली। अरे हम तुहार बाप बानी, तुहार चरित्र का एक एक कच्चा चिट्ठा हमारा देख चुकल बा। तका भाईल, हम मर्द बानी, हमका हक बा। चुप, तो के मर्द बनाओ लसके, जे औरत ना हो तो तू मर्द होवे के दावा करे खातिर अस्तित्व मनाही आवत। तू हमका अस्तित्व मलाई तो का हम तुहार हिसाब से जियब, तोहरे हिसाब से सांस ले, नहीं पाँव का जूती औरत का सर का पगड़ी समझ ले, नहीं हम इतने खुले विचार के नहीं बानी कि हम वो औरत को अपना जीवन साथी मानी जे औरत दूसरे मर्दन का बिस्तर गरम करत रहल। तका, राधा के घर वापिस ना ले बा। माई के चरित्र जे राधा जैसन हो त तू का करते, मर्द जैसा निका ठोकर मार के घर से बाहर निकाल दे, या ना मर्द के जैसा निके तलवे चाटत रहत। जयराज, छोड़ दे बंदूक। जयराज, जयराज, बंदूक रख दे, नहीं तो हम तो हर जा ले ले। तू आपन इकलौती औलाद की जान ना ही ले सकते माई। हमार सुहाग से बड़ी क्या औलाद नहीं हो सकत। बरसों बांज रहल बा तू, बरसों पूजा पाठ के बाद हम पैदा भइल बानी, जे मर गईली माई तो तू बे औलाद हो जाई, बे औलाद। विधवा होए से ठीक बा बे औलाद, जे हम के पता हो कि जन्म लेवे के बाद तुहार ई रूप होई तो हम तोह के अपन कोखमा ही मार देती। चुप होई जा, ज्यादा चिल्लाइबे तो तुहार सांस फूल जाई। तोहर जैसन शैतान के जन्म देत समय हमार सांस ना फूलल तो तोहार जान लेत समय भी ना फूली। बंदूक रख दे जयराज, नहीं तो हम गोली मार दे। मार गोली माई। जयराज, जयराज, माई तू तो सच में मार दिया अपने बेटवा को, सच सच।
पिदी के लिखल के डाले हमार खोज सुनी हो गई और राधा के मांग जाऊन कुछ भवा बा और महामी दोनों के गई बा। समधन जी, राधा हमार बहू बेटी दोनों बा। अब हमार कौनो वंश बेल ना रही गई नहीं तो हम पुत्र शोक लेके कब तक जी। अब बरस दुई बरस अकेले पद्मा तो आपन परछाई भी डरावत बाड़े। हम ये नहीं चाहता नहीं कि राधा आपन परछाई से डरे। हम राधा के विधवा के लिबास में हवेली में कैद करके न मर जाए। हम ओकर हसत खेलत दुनिया बसा के संसार से जावा चाहता नहीं। लेकिन समधन, विधवा का ब्याह समाज स्वीकार करी? विधवा के ब्याह जा अधर्म हो तो भगवान राम रावण के मारी के मंदोदरी का ब्याह विभीषण के संगे ना करो थे। पत्नी के मरे पे जे पति दूसर ब्याह कर सकेला तो पति के मरे के बाद पत्नी काहे ना कर सकत। लेकिन समधन, मांग के सिनूर मिट जाए से मन की इच्छा मिट जात पाका। हम राधा के ब्याह कराई चाहे समाज साथ दे या ना दे। ये हमार बेटी बा, एकरे खातिर सही का बा और गलत का बा ये सोचब माँ के धर्म बा। सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयो प्रभो गर्जना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो पदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत् तद अखिलम शंभो तवाराधनम यद यद कर्म करोमि तत् तद अखिलम शंभो तवाराधनम यद यद कर्म करोमि तत् तद अखिलम शंभो तवाराधनम। जिंदगी के फलसफन के ज्ञान जितना तोहके बा शायद हमके नहीं। लेकिन हम इतना जानत बानी जे दुनिया में हम आइल बानी तो जिए के पड़ी। तोह से प्रेम कही के भी राधा का ब्याह हमरे बेटा से हो गए और आज राधा अकेली बा। गोपी बेटवा, खाली दुख तकलीफ सही के जियल ना जा सकत। जीवन का जियब बड़ा कठिन बा। गोपी, हम सब इंसान हैं और हम तब भी जी सकें जब हम एक दूसर का दर्द बांटें और आंसू पोंछें। देख बिटवा, राधा के दुख ना तोसे देखल जाए और ना हम सबसे। यही खातिर हम सब ई फैसला कहले बानी कि राधा और तो के सदा सर्वदा खातिर एक कर दिहल जाए। हाँ गोपी, अब एकरे मांग में सेनूर भर के तू एकर रचना खुशी से भर दे ताकि बच्ची के अपन जिंदगी से कौनो शिकायत ना रहे कि एक किस्मत में दुख के सिवा और कुछ नहीं खेबा। भाऊजी। हाँ बेटा। आ, 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 आ,
राधा या कोपी इला सिन्नूर राधा के मांग में भर दे एक आपन जिंदगी में शामिल कर ला।